आम बर्तमान अच्छू मंडी हाउस गुलचकर छक सीधा चित्र देखिपे लगातार किभली भाव जो फार्मर बिल को लेकिन लगातार कौटना कौटी दिल्लीर टेनसन कमार ना ने लगातार भाव गोटेपटे बड़े टेनसन रही अंपटे देखिए भितर जो 26 तारीख दिन जो घटना घटला लालकिला आरंभ कर दिल्लीर अनेक रास्त चकाजाम परिस्थिति सृष्टि है तापर सरकार लगातार भाव चेष्टा कर किभली भाव जे आंदोलन जो रही थमीज चाषी मैंने मानिज अंपटे चाषी गोटे देखा मिलू कि चाषी संगठन पछक हटी कि बर्तमान से पुणि थे बैक कर कहीं लगातार से गोटे सपोर्ट मिलू अपोजिशन हूँ बाकी जो संगठन रोचान बर्तमान सीधा चित्र देखिपे जे एन रि छात्र गोषी रही अन्य पुरतन छात्र गोषी रही जो मैंने कि आसिक ये सीधा साल फार्मर सपोर्ट्रे नाराबाजी देवा सहित बर्तमान बजेट सेसन जारी रही कहीं सुरक्षा दृष्टि से मानक आग को जीवाक दि जाऊना कहीं सुरक्षा बल पूरा छाउणी रही अंचल से डिमांड जहाँ रही आज से सीधा साल जंतरमंतर जी और जंतरमंतर स्ट्राइक करने सहित संसद भवन घेराव करी पारती किंतु से कौटना कौटी ये मंडी हाउस छक अटका जाए कहीपर पुलिस पक्षर व्यापक बंदोबस्त कराई तेज निश्चित भाव आम किसी रिएक्शन नवा से कौन उद्देश्य रही कौन पाई से आपका यहाँ पे आके जो स्ट्राइक करने का क्या इरादा है आज? देखिए मैं SFI का कार्यकर्ता हूँ, मेरा नाम उत्कर्ष है। हम लोग पूरे जब से आंदोलन शुरू हुआ है तब से आंदोलन शुरू होने से पहले ही जब ये फार्म लॉज पहले ऑर्डिनेंस की तरह पास किए गए थे और उसके बाद जब ये फार्म लॉज एक्ट बना के आए यहाँ पे लॉज बन के आए हम लोग उस दौर से जब ऑर्डिनेंस बना था तब से हम लोग सड़क पर हैं। ना सिर्फ इनके खिलाफ पर इनके अलावा ये हमें समझना होगा कि ये जो फार्म लॉज लाए गए हैं ये ना सिर्फ किसानों को असर कर रहे हैं पर अगर मंडी सिस्टम और PDS ख़त्म होता है तो उसका सीधा असर देश की गरीब जनता पर होगा। ये हमला सिर्फ किसानों पर नहीं हुआ है, हमें एक और चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा कि किसानों के अलावा लेबर लॉज भी लाए गए हैं जो मजदूरों पर भी उस तरह का हमला कर रहे हैं। तो हम देख रहे हैं जहाँ एक तरफ किसानों का हमला चल रहा है, किसानों पर हमला चल रहा है, वहीं मजदूरों पर भी चल रहा है। SFI इन हमलों के खिलाफ सड़कों पर शुरू से उतरा हुआ है और हम उतरे रहेंगे। मैम आप क्या बोलेंगे, आप जो आए हैं यहाँ पे स्ट्राइक करने के लिए 26 जनवरी के बाद ये पहला मोर्चा आप निकाले हैं तो उसका क्या मतलब है और आगे क्या प्लानिंग है आपका आज की स्ट्राइक? सी बेसिकली उस दिन के बाद जो मतलब उस दिन हुआ था लाइक फार्मर्स पे अटैक हुआ था एंड जर्नलिस्ट को भी वो किया गया था अरेस्ट। सो वी आर अगेंस्ट द फार्म लॉज दैट वी आर अपीलिंग दैम द फार्मर वी आर विद द फार्मर्स वी आर स्टैंडिंग विद द फार्मर्स एंड फ्रॉम SFI एम स्टूडेंट एंड वी हैव बीन स्टैंडिंग विद द फार्मर्स सिंस द बिगनिंग एंड वी जस्ट वॉन्ट दैट दे शुड टेक बैक दीज ब्लैक लॉज एंड दैट दे मोरल सपोर्ट बढ़ाने के लिए आप आए हैं। एग्जैक्टली वी आर विद द फार्मर्स एंड वी विल बी देयर विद द स्ट्रगल टिल देन। अपन चित्र देखिपे आहरी कि जो रही NSUI कार्यकर्ता हूँ बाहर जो अनेक छात्र संगठन रही जो मैंने दिल्ली में कार्य करसिक पहुँची तेणु लगातार भाव में सेमकर संख्या कह वृद्धि होगा लगुच आज पुणि थे से भाई जो से हाथ में फ्लाग से देखिपे कि भाव लंबा लंबा बाड़ी रही तेणु ये स्ट्राइक परिणाम कौन हो पाए आग को ता निश्चित भाव परवर्त पर्यायर स्पष्ट हो कि देखापी चाहिए सुरक्षा दृष्टि किभली भाव व्यवस्था कराई सामने देखिए किभली भाव जो पुलिस बैरिकेडिंग सिस्टम लगा जाइए और पुलिस विभाग पक्षर पूरा तत्परता प्रकाश कराई कहीं गोटे सेनसीटिव जोन सुरक्षा बल भितर ही आसूँ कहीं 26 तारीख जो लापसेस जो घटना घटला किभली भाव पुनरावृत्ति न हुए से पुलिस बेस जत्नवान होती कहीं जो अधिक पारामिलिटारी फोर्स नियोजित होती लगातार जो सरकार गोटे उत्तेजना सृष्टि करने हुए तो प्रेसराइज करने प्लानिंग होतापर आम कहीपर कि लगातार भाव जेहेतु बजेट अधिवेशन रही तेणु से दृष्टि सुरक्षा व्यवस्था को अधिक कड़ाकड़ी कर दिया देखिपे कि भाव पुलिस पक्ष बैरिकेडिंग सिस्टम कराई कहीं यार ठीक यदि कैमरा पर्सन टी जूम कर देखे ठीक यदि देखिए 500 मीटर डिस्टेंस रे संसद भवन रही जंतरमंतर रही तेणु एम जंतरमंतर जावाई मोटर आसु निश्चित भाव ये बैरिकेड पाखे ही पुलिस अटकवाई चेस्टा कर जितेबाला पुलिस निश्चित भाव से सहित किसी जी आर्गुमेंट हो कहीं पुलिस सीधा सड़क मना कर पुलिस विभाग पक्ष सीधा सड़क मना कर
जे जेहेतु वर्तमान पार्लियामेंट चली सुरक्षा दृष्टि गोटे पूर्व घटना घटी तेणु से समय वर्तमान पुणी थे एभली स्ट्राइक को अनुमति दिजो ना कि हूँ तो छात्र संगठन मैंने हूँ कि जो लेफ्टिस्ट से सहित आसिक सामिल होती जदि निजर जिदी को आसुँच तेणु से समय पुलिस कौन स्टेप नौ निश्चित भाव आम नजर रहा नुआ दिल्ली कैमेरा पर्सन नीरज घोषित गगन अर्गस न्यूज़।